हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज मैं आप लोग के सामने नाश्ते की रेसिपी लेके आया हूँ, अजवाइन वाली पूरी और अचारी आलू की। ये नाश्ते की रेसिपी आप एक बार अपने घर में बनाइएगा तो आपके घर में बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए बनाते हैं अचारी आलू और अजवाइन वाली पूरी। अचारी आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 आलू को उबाल लिया है। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, इसके मसाले को रेडी कर लेते हैं। गैस पे मैंने एक पैन लिया है, अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। एक चम्मच यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया लिया है, एक चम्मच यहाँ पे मैंने खड़ा जीरा लिया है, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, एक चम्मच यहाँ पे मैंने राई दाना लिया है, 10 से 15 यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है और 4 से 5 यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च लिया है और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है। पहले मैं इसको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल अचार का मसाला बनता है ना, वैसे ही बनाना है। अचारी आलू है तो इसमें अचार वाला मसाला ही पड़ेगा। तो चलिए अब मसालों को ठंडा कर लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। उसी पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी थोड़ा कम लेंगे, और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है ऑयल में। हल्दी को थोड़ी देर भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू को। आलू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। और अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और आलू को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। ध्यान रखिएगा, मिर्च मैंने पहले भी डाला है उसमें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक लिया है। तो चलिए अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है, जब तक आलू में गोल्डन कोटिंग ना आ जाए। दोस्तों आलू को थोड़ा कम उबालिएगा, मेरे आलू थोड़ा ज़्यादा उबल गई ना, तो देखिए थोड़ा चलाते चलाते ये थोड़ा टूटने लगी है। तो आलू को थोड़ा कम उबालिएगा तो आपकी अचारी आलू अच्छी बनेगी। चलिए इस स्टेज पे मैंने जो पाउडर बना के रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के हिसाब से ऐड कर दिया है मसाला, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को अभी मीडियम रखना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसको चटपटा बनाने के लिए आमचूर पाउडर। तो दोस्तों बिल्कुल अचार के जैसा ही मसाला डालना, अचार में जितने मसाले पड़ते हैं ना, वही मसाले सब इसमें ऐड करना है। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी का कलर कितनी क्रंची बनी है। तो चलिए अब पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, 1 कप आटा उसमें मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 से 2 चम्मच यहाँ पे मैंने घी ऐड कर लिया है। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन घी से हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच अजवाइन ले लिया है, इसको मैं क्रश करके डालूँगी, इससे हमारी पूरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसका एक कड़ा डो बना लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका पूरी का जो डो बनता है वो रोटी चपाती या पराठे से थोड़ा कड़ा बनता है। तो चलिए मैंने इसका एक कड़ा डो बना लिया है और इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे छोड़ दूंगी ताकि हमारा डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो चुके, अब मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। तो चलिए अब इसका छोटा छोटा पेड़ा बना लेना है पूड़ियों के लिए। तो चलिए दोस्तों सारे पेड़ों को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक चकला ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और पूड़ियों को मैं ऑयल के साथ बेलूँगी। आप आटे डाल के भी बेल सकते हो, लेकिन क्या होता है आटा जो हमारे तेल में घुल जाता है और तेल थोड़ी सी ख़राब दिखने लगती है, और पूड़ियाँ भी थोड़ी सी ख़राब फ्राई होती है, अच्छी नहीं दिखती। तो इसलिए मैंने तेल के साथ इसको बेला है, इससे हमारा तेल बिल्कुल साफ रहता है। तो चलिए सारी पूड़ियों को मैं इस तरह से बेल लूँगी। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने 5 बड़े चम्मच ऑयल पहले से ही गरम कर लिया है। अब एक एक करके पूड़ी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है, आपकी कढ़ाई अगर बड़ी है तो आप 2 पूड़ी भी डाल के फ्राई कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह से सारी पूड़ियों को मैं छान लूँगी। अब ध्यान रखिएगा ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए।
मीडियम फ्लेम पे नहीं, फुल फ्लेम पे ही पहले पूरी को डालिए, फिर मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए गैस को। तो चलिए इसी तरह से सारी पूरियों को मैं रेडी कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने सारी पूरियों को छान लिया है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए, गर्मा गर्म अचारी आलू और अजवाइन वाली पूरियाँ रेडी है। आप इस नाश्ते को एक बार अपने घर में ट्राई करिए तो रोज़ आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ ले कर जाइए। ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होने वाली, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। और चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।